दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि आम इंसान को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण से तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। यहां तक कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका फेफड़ा सही होगा तो एकदम सही नहीं है, क्योंकि इस प्रदूषण के प्रदूषक तत्व हमारे फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, जो कि 15 से 20 सिगरेट रोजाना पीने के बराबर है। दिवाली के बाद से दिल्ली में लगातार प्रदूषण में इजाफा हुआ है और प्रदूषण को लेकर दिल्ली में इमरजेंसी तक घोषित करनी पड़ी, लेकिन अभी भी प्रदूषण का असर कम नहीं हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं रहा है, यह अब संकट बन गया है। दिल्ली में हर कोई इससे प्रभावित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धूम्रपान करते हैं या नहीं, यहाँ हर कोई समान रूप से 15 से 20 सिगरेट रोजाना पी रहा है। उन्होंने कहा अगर यह जारी रहा तो भविष्य में नवजात शिशुओं में जन्म के समय भी सांस संबंधी समस्या पाई जाएंगी। उत्तर भारतीय राज्यों में पिछले एक महीने से गंभीर वायु प्रदूषण है और वायु गुणवत्ता सूचकांक आपात स्तर पर पहुँच गया है। वही RML हॉस्पिटल के सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर देश दीपक ने कहा कि धूम्रपान नहीं करने वालों को भी खतरा है। धूम्रपान नहीं करने पर वायु प्रदूषण ही बीमारी बढ़ाने के लिए जरूरी तत्व उपलब्ध करा सकता है। धूम्रपान, सेकेंड हैंड स्मोक और प्रदूषण के एक साथ हमले से आपके फेफड़े बीमार पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।